वेलकम ट्रेडर्स, चले देखते हैं हमें मॉर्निंग में कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है। सो हमारा कल के लिए फर्स्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल इज सिलेक्टेड फ्रॉम दी आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट स्कैनर। तो ब्रेकआउट स्कैनर का स्टॉक है, बाई साइड के लिए प्लान करना है। तो बाई साइड हमें प्लान करना है अबाउट दिस मल्टीपल रेड बॉक्सेस जोन। तो हमें पता है यहाँ पे सेलिंग जोन है, मेजर क्वांटिटी में यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक लेवल है जो होता है आपका मैक्स कॉल ओआई लेवल। तो मैक्स कॉल ओआई लेवल आपको यह बता रहा है कि यहाँ से जो बेसिकली प्राइस जो है वो बेरिश मूव में है, मतलब यहाँ की जो सेंटिमेंट है वो बेरिश सेंटिमेंट है। सेलर्स भी यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट के साथ रेडी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर प्लानिंग टू ट्रेड ऑन दी अपोजिट साइड, मतलब हम ब्रेकआउट अपसाइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें क्या हमारा प्लान रखना है, ये जो 923 लेवल है आपका ब्रेकआउट जोन आ जाता है। हम अगर यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स लगाते तो इमीडिएट दो तीन यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं आपके डीआर एंड डब्ल्यूआर। तो एक मेजर हर्डल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो अगर ये डीआर डब्ल्यूआर निकल जाता है तो ऊपर के साइड पे क्लियर कट रैली आपको मिल सकती है। तो हमें एक प्रोबेबिलिटी के साथ चलना होगा कल के दिन में। कल यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनने दीजिए, ब्रेकआउट कैंडल के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हाई निकल जाती है सेकेंड शॉर्ट में तो ऑब्वियसली आपकी इनिशियल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, अगर बहुत टाइम के लिए यहाँ पे सस्टेन करता है इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट जोन होने के पहले, या अगर इसके इस पर्टिकुलर जोन में और अगर ये बाद में निकल जाता है, दैट इज अबाउ 924 और सो, आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि आपका जो अपसाइड है इट इज क्लियर टिल एटलीस्ट टिल 934 935 लेवल, जो अपकमिंग आपका रेड बॉक्स जोन है। तो यही आपका अपकमिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा एक बार ये दोनों लेवल्स यहाँ पे निकल जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो प्रायरली ऑलरेडी दीज लेवल्स आर टेस्टेड 3-4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे तो फॉलो थ्रू अपोजिट साइड पे एक वन वे मूव देखने मिल सकती है। तो ये हमारा हो जाता है कल के लिए फर्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया सिंपल फॉर्मेट है, जैसे हमने आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट स्कैनर से सिलेक्ट किया है, तो ये काइंड ऑफ रिवर्सल फॉर्मेट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज जैसे हमने वेबिनार में डिस्कस किया रिवर्सल फॉर्मेट, वैसे ही सिमिलर फॉर्मेट आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 5-6 दिनों से ये कंटिन्यूस डाउनफॉल में चल रहा है स्टॉक। अभी देखो डाउनफॉल के साथ अभी मेजर लेवल्स जो आते हैं आपके ऑप्शन लेवल्स, हमेशा आपको बिग प्लेयर अंडरस्टैंडिंग समझेगी कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ जाता है कि यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल है, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइडवेज जोन में चल रहा है। तो करेंटली मार्केट साइडवेज जोन में, तो ऑब्वियसली वी नीड टू प्लान फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड ओनली अबाउट दिस पर्टिकुलर रेड बॉक्स जोन। तो अगर हम जूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जोन आपका रेड बॉक्स जोन है समवेयर अराउंड 16-18 लेवल। ठीक है, अभी 16-18 लेवल के यहाँ पे आसपास चल रहा है और ऑलरेडी प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। तो हमें कल के लिए क्या प्लान रखना है, लेट द प्राइस ब्रेक अबाउट दिस पर्टिकुलर जोन, ब्रेकआउट आ जाएगा साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे, नो डाउट आपको क्लियर कट इस पर्टिकुलर जोन तक रैली मिल सकते हैं, दैट इज अपकमिंग रेड बॉक्स जोन। अगर समझो यहाँ पे और बहुत टाइम अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाता है फिर भी आप इनिशिएट कर सकते हो। फर्स्ट हर्डल आपका ये रेड बॉक्स हो जाएगा, बट एक बार अगर ये रेड बॉक्स क्रॉस कर जाता है तो फॉलो थ्रू आपको अपसाइड रैली भी देखने मिल सकते हैं। तो यू कैन ट्रेड दिस एज पर रिवर्सल एज वेल एज पर ब्रेकआउट फॉर्मेट, बट नो डाउट एक अपसाइड रैली आने की चांसेस बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे आरबी स्ट्रक्चर पे कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल आ रहा है। तो जब कंटिन्यूस फॉल आता है तो ऑब्वियसली एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है, जैसे आज हमने विप्रो के ट्रेड में भी देखा था। तो ये थे हमारे दो स्टॉक्स, बाकी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे हमारे लाइव सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन ट्रेड ब्लू प्रीमियम। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो ट्रेडर्स। थैंक यू।